कितनी बार कहा है कि घर में मकड़ी के जाले होना अपशगुन होता है। तुम लोग ध्यान तो नहीं रखते किसी चीज का? अरे ध्यान रखते हैं बाबूजी, और रोज सफाई के बारे में सोचते भी हैं। तो पर ये घर इतना पुराना हो गया है ना कि दीवारें इतनी कच्ची हो गई कि हाथ लगाने से भी डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर पड़े। अच्छा, डर लगता है? आह, मेरी गर्दन। अरे लो, सुमन आ गई। अरे सब छोड़ दो, सुमन संभाल लेगी। जी बताइए मामी जी, क्या क्या करना है? कुछ नहीं बहू, अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीखो। वैसे भी सुमन को आज जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। आओ सुमन जरा। जी नानी। काम करो काम। अरे भाभी आप क्यों उतर गए? तो और क्या करें? हाँ, चार पांच झाले झाड़ देने से जो ये खंडन है ना वो ताजमहल नहीं बन जाएगा। ये बोलो भाभी, बाबूजी सुन लेंगे। सुन लेंगे तो ये देखो, रेडियो बाहर निकाल कर रखा तो यही छोड़ दिया। नानू वो मैं रख दूंगी। हाँ बेटा, ये फाइल रामनाथ को दिया। नानू अगर मंडे को दूं तो चलेगा? बिल्कुल नहीं, बुधवार को इस केस की हियरिंग है। किसी बेचारे गरीब का केस है, रामनाथ इसे एक दो हियरिंग में ही निपटा देगा। और सुन, ये फाइल रामनाथ या पुष्कर के हाथ में ही देना। बेटा आज हम किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे तो कल को हमारी मदद कोई क्यों करेगा? जा, मैं देखता हूँ काम हो रहा है कि ऐसे ही हाथ चला रही है। अरे भाई सफाई हुई या नहीं? हाँ जी हो गई बाबूजी। चलो अब आंगन साफ कर लो। तो ये केस की स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि कैसे भी करके हमें वो जो क्लाइंट है। Excuse me. जी हाँ ओबेरॉय साहब। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी ओबेरॉय साहब, लेकिन वेडनेसडे को तो मैं और पुष्कर यहाँ पर है ही नहीं। हाँ बाहर जा रहे पेरिस। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग थी। जी आ जाएंगे सैटरडे तक। ओके फाइन, थैंक यू, बाय। सर लेकिन वेडनेसडे को तो अरोरा एंड अरोरा केस की हियरिंग है, फिर सेंटर वर्सेस यादव कंस्ट्रक्शन। और होल्ड ऑन। अच्छा ये जो दोनों केसेस हैं ये श्रवण हैंडल कर लेगा, राइट? लेकिन सर श्रवण सर ने तो लॉ लंदन से पढ़ा है। और तुम फिक्र मत करो, इंडियन लॉ की पढ़ाई भी उसने वहीं से की थी, वो मैनेज कर लेगा। श्रवण विल डू दिस। सर आई थिंक ये हियरिंग्स आपको खुद ही। सिंगर साहब एक बात बताइए, आपको श्रवण की काबिलियत पे कोई शक है? नहीं सर, बट ओके फाइन, सो इट्स सेटल्ड, श्रवण कर लेगा। पुष्कर तुम एक काम करो, सिंगल साहब से दोनों केसेस की फाइल्स लो और श्रवण के पास भिजवा दो। ऑलराइट सर। हाँ और एक बात और, उसे कहो कि मंडे से कोर्ट जाना शुरू कर दे। पर मंडे को तो वो लंदन वापस जा रहा है। श्रवण लंदन जा रहा? हाँ वो कह तो रहा था, पर मंडे को। तुम चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज अस गाइस। श्रवण, श्रवण भाई साहब, क्या क्या हो गया? श्रवण क्या हुआ भाई साहब? श्रवण आइए आइए, बात करनी है आपसे, आइए। क्या हो गया पापा, आप ऐसे क्यों? कद में बड़े हो गए हो ये तो पता था, लेकिन अकल में, समझदारी में, जिंदगी के फैसले लेने में तुम अपने बाप से भी बड़े हो गए हो ये मुझे आज पता चला। क्या हुआ बड़े पापा, क्या किया श्रवण ने? लंदन जा रहे हैं साहब, लंदन। पर
ये इतनी बड़ी बात तुमने घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझा। पापा मैं सिर्फ इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, आप सबको नहीं। तो ये बात तुम मुझे बता सकते हो लेकिन हमें नहीं। जिन्हें पीछे छोड़ के जा रहा हूँ सोचा पहले उन्हें बता दो। बट पापा ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिना बताए ही चला जाता, मैं तो बस राइट मोमेंट की वेट कर रहा था। पापा आई एम सॉरी कि ये बात आपको बाहर वालों से सुननी पड़ी। श्रवण तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? पापा वहाँ प्रॉपर लॉ फर्म है मेरी, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कमिटमेंट्स हैं, एकदम से वो सब छोड़ के वापस नहीं आ सकता ना मैं। इसका मतलब तुम तो यहां पर आए ही वापस जाने के लिए थे, राइट? जवाब दो श्रवण। पापा अब वहां पे वाइंड अप करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं आप सबसे मिलने आता जाता रहूंगा ना। भाई साहब कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा ना श्रवण? इतनी मेहनत करी है इसने लंदन में, इतनी बड़ी फर्म खोली है, इतना आगे बढ़ने के बाद ऐसे कैसे? हाँ पापा मैं बहुत आगे बढ़ गया। जिसे जो करना है करे। चलो पुष्कर। तू चिंता ना कर, भाई साहब का गुस्सा जैसे दिवाली में रॉकेट होता है ना, शन करके ऊपर जाता है, फिर ठें करके एक मिनट में नीचे भी आ जाता है। और फिर मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी। ओके वैंडी पुत्र तू चल मेरे साथ बड़े पापा को समझाने मार्केट, मार्केट जाने के लिए। अब श्रवण पुत्र लंदन वापस जा रहा है तो ऐसे खाली हाथ कैसे भेजेंगे उसे? अरे भाई घर का खाना, लड्डू पापड़ अचार मिठाइयाँ ये सब नहीं देंगे उसे? है चल तू मेरे साथ इस बार। भाई तुम्हारे पर जुबान का कनेक्शन टूटा हुआ है क्या? बिना सोचे कुछ भी बोल देती हो, क्या जरूरत थी पापा को बताने की? कोई झूठ बात नहीं बोली है मैंने, और वैसे भी तुम तो बताने ही वाले थे ना। जब बताता तो बताता, तुम्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ ये चेक कर रही थी कि तुम सच में जा रहे हो या वरना तुम्हारा क्या है? कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के तुम तो रुक ही जाओगे। एनीवे अब अंकल ने तो तुम्हें परमिशन दे ही दी है। हाँ हो गया ना कंफर्म, अब खुश? हाँ खुश, इनफैक्ट बहुत खुश। यू ऑल्सो चिल। अब तो मैं जाके no one can stop me। जाओ अच्छा है, प्लीज अब कम से कम मेरी लाइफ में कोई टेंशन तो नहीं होगी ना। मिस्टर तिवारी बोरिया बिस्तर बांध के कर लो तैयारी, क्योंकि आप भाई है हौसला की बारी। गुगलो, अरे ओ भाई गुगलो, आपने कभी रोज बोली अमरनाथ गूगलो नहीं है, गूगलो नहीं है गूगल, गूगल कांति गंगोपाध्याय। अरे ठीक है यार, गूगल हो या भूगोल की फर्क पड़ता है? कैसा लगा? खूब भालो सर,
माने बहुत बढ़िया। घटिया चीज को तो खोसला हाथ ही नहीं डालता। जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ? सबसे पहले इस नेम प्लेट को चेंज करूंगा। ये खोसला पैलेस कैसा लगा? ये तो बहुत ज्यादा भालो है सर, माने बहुत ज्यादा बढ़िया। चल अंदर, फिर यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अरे 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 बेटा, तेरे हाथ में इतना बोझ देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा दिल दुखता है। आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। ला मैं तुम्हारा थोड़ा बोझा कम कर देता हूँ। थैंक यू सर। ला बेटा चल। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। मैं खोल मंजू पर जाए जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? अरे गुगलू नमस्ते कर मंजू पर जाए। बॉडी नमस्कार। गूगल कांति गंगोपाध्याय। प्रजा जी बड़ा सुना है आपके बारे में। हाँ, कि मंजू प्रजा जी ऐसी है, मंजू प्रजा जी वैसी है, आज दर्शन हो गए। प्रजा जी समीर जी वो अंदर है। लो जी वो अंदर है, तो अभी बाहर की कर रहे हैं। चलो गुगलू। अरे सुनिए, वाह। अरे वाह गुगलू, कैसा लगा? सर खूब खूब भालो, बहुत बहुत बढ़िया। अब आप बैठिए, हम उन्हें बुला के लाते हैं। हाँ बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। और बैठ जा गुगलू। जी सर। गुगलू बैठ जा, अपना ही खा रहा है। सुनिए आपसे मिलने कोई आया है, जल्दी बाहर आइए। कौन है मंजू? पता नहीं, आप आइए बाहर। ओहो रचना बहन जी, तुसी? ओ नमस्ते 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 बहन जी, क्या हाल है? नमस्ते। और बाबू जी नजर नहीं आ रहे? पहले बाबू जी के जमाई जी से तो मिल लीजिए। ओए बबलू जीजा जी, तुसी? और दसो सिंगिंग सिंगिंग कैसी चल रही है? सिंगिंग? हाँ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बहुत अच्छी है। गुगलू खड़ा हो। सर ओए बबलू जीजा जी है, क्या गाते हैं, क्या गाते हैं, एकदम टॉप की आवाज है इनकी। अरे थैंक यू थैंक यू। एक एक मिनट, ये मेरा कार्ड है, कोई भी जगराता है या माता की चौकी ना तो प्लीज याद कीजिएगा। हाँ हाँ ये भी कोई कहने की बात है। अरे ले भाई कार्ड रख ले। हैं जी सर। वैसे कुछ भी कहो, ये घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा आज से 18 साल पहले था। प्रिया बहन को बहुत प्यार था इस घर से। कौन है मंजू? ओ समीर, ओ मेरे वीर, ओ मेरे प्रा। ओ यार जप्पी जप्पी पा यार, कलेजे नु ठंड पै जा यार। सब ठीक चल रही है ना? हाँ 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 जी सब बढ़िया। ओए गुगलू तू क्या बादशाह अकबर की तरह बैठा, चल उठ के खड़ा हो और सबको मिठाई दे। सर जी। डब्बू बेटा है मेरा। अच्छा ठीक है, ये रोचू ना बाबूलाल? हम दोनों। अच्छा नमस्कार। नमस्कार समीर और मंजू जी। प्रीति। हाँ प्रीति, हमारी बेटी, हमारी बेटी। सुमन। सुमन नहीं बोल रहा हूँ, हम चल तुम ले ले। तिवारी जी। और तिवारी जी मतलब बाऊ जी, इस घर के मालिक। ओ बाऊ जी, बाऊ जी पैरी पहना। जीते रहो। और दसो बाबूजी कैसी तबीयत आपकी? बस चल रही है गाड़ी।
अरे जी ऐसे ही चलती रहेगी, तुसी फिकर ना करो। ला भाई डब्बा दे बाबू जी को, दे बाबू जी मिठाई आपकी। नानू मैं फाइल देखकर आ गई। ओए सुमन पुत्र तू कितनी बड़ी हो गई है। ओ बुगलू ये ना इतनी नहीं नहीं इतनी सी थी, और हम देख कितनी बड़ी होगी। जीवंदी रहे पुत्र जी। सॉरी अंकल मैंने पहचाना नहीं आपको। लो जी मैं भी कितना अजीब आदमी हूँ, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। आई एम माई सेल्फ खोसला, देविंदर खोसला, तेरा मामा, प्रिया बहन का मुंह बोला भाई। प्रिया बहन ना मुझे समीर से ज्यादा मानती थी। बाऊजी बाऊजी ये कार्ड है बाऊजी, आपके आशीर्वाद से ना मेरी बेटी डिंपल की शादी अगले हफ्ते, मैं चाहता हूँ कि आप सारे इसकी शादी में आए। बहुत बहुत मुबारक हो गुस्सा साहब, आप बैठिए ना। मंजू इनके लिए कुछ नाश्ता चाय पानी? जी ना जी ना, आज तो बहुत काम है, फिर किसी दिन, अब तो इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा जी। अच्छा जी इजाजत दीजिए चलता हूँ। सर 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 एक मिनट। वो बाऊजी मैं मेन बात करनी तो भूल ही गया, आप तो जानती हैं कि बेटी की शादी करना कितना मुश्किल काम है, कितनी महंगाई हो गई आजकल, 50-55 तो यूं ही लग जाते हैं। लाख करोड़ करोड़ ऐसे सोडे में बर्फ घुल जाती है ना जी, ऐसे टेंशन में मैं घुला जा रहा हूँ। अब आप ही बताइए कि कितने पैसों का जुगाड़ होगा तो कैसे। और फिर मुझे गूगलू ने याद दिलाया। सर गूगल गूगल कांति गंगोपाध्याय। अच्छा ठीक है यार, फिर मुझे गूगलू ने याद दिलाया कि रिया पहन ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। हाँ देखिए जी मैं ये पैसे वापस मांगने कभी ना आता, वो पराई क्या हुआ जिसने बहन को पैसे दे के वापस मांग लिए। तो बेटी की शादी का मामला है जी, इसलिए मांगने पड़े। मैंने सोचा कि आप लोगों को आके कार्ड भी दे देता हूँ और पैसे भी मांग लूँगा। और जी वो ये पहनने मुझसे 50 लिए थे। करोड़ लाख क्या है ना जी, वो ब्याज ब्याज के साथ मिला के भी 4.5 करोड़ हो गए। 4.5 करोड़। नहीं आप लोग टेंशन मत लीजिए, बैंक रेट से भी कम ब्याज लिया है मैंने। हाँ पता नहीं किस किस का उधार लेकर मरी है ये प्रिया। आप ऐसे कैसे बोल सकते कि आपके पास क्या सबूत है कि मम्मी ने आपसे भाई आपकी नातिन तो ना बिल्कुल आप ऊपर गई है, कैसे वकीलों जैसी दलील दे रही है। अबे गुगलू सर तू भाई पेपर दिखा बेटे, बाऊजी को सबूत दे है? निकाल बेटे जल्दी दिखा। हाँ ला ला ये बाऊजी, ये प्रिया बहन ने पैसे लिए थे तो इस मकान के कागज मेरे पास करिए हवा दिए। बाऊजी प्रिया के दस्तखत भी हैं, तसल्ली कर लो बाऊजी ये देख लो। बाबूजी साइन तो है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.